तो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओमटेक्स के कुछ यूजर्स के बारे में, लगभग 10 यूजर के बारे में बात करेंगे। एंड ये ओमटेक्स होगा बेंटन ओमनियोस वाला, और उसी की थीम के ओमटेक्स के यूजर्स इस लिस्ट में होंगे। बाकी कोई ओरिजिनल सीरीज या उनकी थीम के ओमटेक्स के यूजर इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किए गए हैं। उनके लिए भी वीडियो बना दूंगा अगर तुम इस वीडियो पर 1K लाइक कर देते हो तो। और अगर तुम्हें भी इस लिस्ट के ओमटेक्स के यूजर्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखना। एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, वीडियो को भी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 ओमनिवर्स बैन फ्रॉम अल्टरनेट टाइमलाइन। इस बैन का फर्स्ट अपीयरेंस हमें बेन 10 रिबूट की लास्ट मूवी एलियन एक्सटिंक्शन में हुआ था। इसके पास ओमनिवर्स टाइमलाइन के ओमटेक्स का अल्टरनेट वर्जन है। इसकी सारी चीजें अपने बैन से सेम है, बस इसमें दिमाग थोड़ा सा कम है। ये बैन नंबर 10 पर इसलिए आता है क्योंकि इसे अपने ओमटेक्स का ठीक से यूज़ करना आता है। एंड ईवी लिलियनेक्स को हराने के लिए एज अ ब्लॉक्स काफ़ी मदद करी टीम टेनिसन की। ये बैन इस लिस्ट में ऊपर आ सकता था अगर एलियनेक्स को हराने के लिए बार बार ब्लॉक्स में ट्रांसफॉर्म होने की मूर्खता ना करता तो। नंबर 9 इओन। इओन एक ह्यूमन है एंड अर्थ पर एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन से बिलोंग करता है। इसके पास कई सारी टाइम पावर्स हैं जैसे कि क्रोनोकिनेसिस, क्रोनोपोटेशन, क्रोनोपैथी, टेलीपोटेशन, डिमेंशनल ट्रेवल एंड टाइम पोर्टल क्रिएशन जैसी काफ़ी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज। बैन के सभी ऑल्टरनेट वर्जन की तरह ही इओन के पास उसका खुद का ओमटेक्स था, बट उसकी टाइमलाइन में उसके ओमटेक्स के साथ कुछ बुरा हुआ और उसने अपने ओमटेक्स के बचे हुए कुछ पार्ट्स को अपने लेफ्ट हैंड के गॉन्टलेट में इंटीग्रेट कर दिया। एंड इओन इस लिस्ट में ऊपर आ सकता था अगर हम इसकी पावर्स के बारे में बात करते तो, लेकिन ओमटेक्स का यूजर होने के बेसिस पर ये नंबर 9 पर इसलिए डिजर्व करता है क्योंकि इसके पास ओमटेक्स के सिर्फ कुछ ही पार्ट्स हैं, ना कि पूरा ओमटेक्स। नंबर 8 आर्जिक फ्रॉम ऑल्टरनेट टाइमलाइन। इसका फर्स्ट अपीयरेंस हमें एंड देन देयर वर नन वाले एपिसोड में हुआ था। इस टाइमलाइन में आर्जिक के पास एक गोल्डन कलर का ओमटेक्स है जो कि एजमत ने इसे अपने ऊपर गैम्बलिंग के कर्ज को कवर करने के लिए दिया। एंड आर्जिक ने अपने ओमटेक्स का इस्तेमाल सिर्फ पैसा कमाने के लिए किया और बाद में इसके ओमटेक्स का नेम आर्जिट्रिक्स पड़ गया। आर्जिट इस लिस्ट में नंबर 8 पर इसलिए आता है क्योंकि इसने चाहे अपने ओमटेक्स से विलन्स को ना हराया हो पर इतना पैसा ओमटेक्स से कलेक्ट करने में काफ़ी मेहनत लगी होगी। ये इस लिस्ट में थोड़ा ऊपर आ सकता था अगर कुछ अच्छे कर्म भी कर लेता अपने ओमटेक्स से तो। नंबर 7 बेंजारो। बेंजारो एक अनडेड ह्यूमन है एंड ये बैन का ही एक ऑल्टरनेट वर्जन है जो कि अर्थ की एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन से बिलोंग करता है। इसके पास ओमनिवर्स टाइमलाइन के ओमटेक्स की थीम का ही एक ऑल्टरनेट वर्जन है जिसका नाम है जोम्बी ट्रिक्स। एंड बेंजारो को उसका जोम्बी ट्रिक्स वही एलियन देता है जो वो चाहता है। बेंजारो का फर्स्ट अपीयरेंस हमें एंड देन देयर वर नन वाले एपिसोड में हुआ था जहाँ इसने काफी अच्छे तरीके से फ्रैंकेनस्टाइन एंड स्नेरो का यूज किया था। इसे अपने सभी एलियंस का यूज करना एंड करना काफी अच्छे से आता है और इसके जोम्बी ट्रिक्स में लगभग वो सभी एलियंस हैं जो कि प्राइम बैन के पास हैं। एंड मेरे ख्याल से बेंजारो अपने नंबर 7 पर बिल्कुल परफेक्ट है। नंबर 6 नेगाबैन। नेगाबैन एक ह्यूमन है एंड ये भी बेन टेनिसन का ही एक ऑल्टरनेट वर्जन है जो कि अर्थ की एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन से बिलोंग करता है। इसके पास भी ओमनिवर्स वाले ओमटेक्स की थीम का ही एक ओमट्रिक्स है जिसका नाम है नेगाट्रिक्स। इसमें बस थोड़ा कलर का डिफरेंस है। ओमनिवर्स के ओमटेक्स का जो पार्ट व्हाइट कलर का है, नेगाबैन के नेगाट्रिक्स का वो पार्ट ब्लैक कलर का है। एंड ओमनिवर्स के ओमट्रिक्स का जो पार्ट ग्रीन कलर का है, नेगाट्रिक्स का वो पार्ट डार्क ग्रे कलर का है। नेगाबैन का फर्स्ट अपीयरेंस हमें बेंटन ओमनिवर्स के एंड देन देयर वर्णन वाले एपिसोड में हुआ था जहाँ इसने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने नेगाट्रिक्स के एलियन गटरोट का यूज़ किया था और उसकी गैस क्रिएशन की पावर काफ़ी अच्छे से यूज़ की थी। एंड ये अपने नेगाट्रिक्स का यूज़ करना काफ़ी अच्छे से जानता है जिस वजह से नंबर 6 पर परफेक्ट बैठता है। नंबर 5 मैडबैन। मैडबैन भी एक ह्यूमन है एंड ये अर्थ पर मैडबैन्स डिमेंशन से बिलोंग करता है। इसके पास भी एक ओमटेक्स है जिसका नेम है पावर वॉच एंड इस वॉच पर 5 ऑरेंज कलर के स्पाइक्स भी हैं। मैडबैन का फर्स्ट अपीयरेंस हमें एंड देन देयर वर नन वाले एपिसोड में हुआ था जहाँ इसने काफ़ी अच्छे से अपने पावर वॉच के एलियन रेथ का यूज़ किया था और एंड देन देयर वर नन वाले एपिसोड को हटा कर मैडबैन का अपीयरेंस इट्स अ मैड मैड मैडबैन वर्ल्ड पार्ट 1 और 2 में भी हुआ है जिसमें इसने काफ़ी अच्छे से एनर्जी अपचक डायमंड डेट एंड वेबिक का यूज़ किया है और इसे अपने पावर वॉच का यूज़ करना भी काफ़ी अच्छे से आता है एंड इसलिए मैडबैन नंबर 5 पर डिजर्व करता है।
नंबर 4 बैटमैन। बैटमैन भी एक ह्यूमन है एंड अर्थ की एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन से बिलोंग करता है। ये बैन बिल्कुल सेम है अपने प्राइम बैन की तरह, बस इन दोनों में कुछ चीजों का डिफरेंस है। जैसे कि प्राइम बैन अपने ओमटेक से अच्छे काम करता है, वहीं बैटमैन अपने ओमटेक से बुरे काम करता है। जहां प्राइम बैन को उसका ओमटेक्स मनचाहा एलियन नहीं देता, वहीं बैटमैन का ओमटेक्स उसे उसके मनपसंद का ही एलियन देता है। एंड बैटमैन का फर्स्ट अपीयरेंस हमें बेंटन ओमनिवर्स के एंड देन देयर वर नन वाले एपिसोड में हुआ था। उस एपिसोड में बैटमैन ने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने घोस्ट फ्रीक एंड ग्रैब अटैक का यूज़ किया था, और एंड देन देयर वाज बैन वाले एपिसोड में बट शॉक का भी ठीक तरीके से यूज़ किया था। बैटमैन अपने ओमटेक्स को यूज़ करना काफ़ी अच्छे से जानता है, जिस वजह से ये नंबर 4 पर है। नंबर 3 बेन टेनिसन फ्रॉम नो वॉच टाइमलाइन। अब चाहे काफी कम टाइम के लिए ही सही, लेकिन नो वॉच बेन ने काफी अच्छे तरीके से ओमटेक्स का यूज किया। और मजे की बात तो ये थी, जहां प्राइम बेन को उसका ओमटेक्स गलत एलियन देता, वहीं नो वॉच बेन को वही एलियन मिलता जिसमें वो ट्रांसफॉर्म होना चाहता था। और रॉन्ग एजेंट ट्रांसफॉर्मेशन का फॉल्ट प्राइम बेन से होता, ना कि ओमटेक्स से। ये बात भी हमें नो वॉच बेन को ओमटेक्स मिल जाने पर समझ आई। और चलो ट्रांसफॉर्मेशन का तो ठीक है, पर नो वॉच बेन ने ग्रे मैटर, कैनन बोल्ट, आर्मोर वाइल्ड मर्ट एंड क्लॉकवर्क की पावर्स का यूज काफी अच्छे से किया, और इतने कम टाइम में इतने हाईटेक डिवाइस का ठीक यूज कर पाना मेरे ख्याल से तो काफी मुश्किल है। पर नो वॉच बैन ने ये कर दिखाया, और इसीलिए वो नंबर 3 पर आता है। नंबर 2 स्कर्ट। स्कर्ट एक स्लिम बायोट है एंड इसका रेजिडेंस अर्थ है। स्कर्ट के पास डीएनए एब्जॉर्प्शन, डीएनए कॉपिंग, डीएनए इंडेक्सिंग, डीएनए डुप्लीकेशन, बायोकिनेसिस, मशीनरी एक्सपर्ट एंड इलास्टिसिटी जैसी कई सारी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं। स्कर्ट ने ओमटेक्स का यूज बैन के साथ एक पार्टनर के तौर पर किया है एंड स्कर्ट का फर्स्ट अपीयरेंस स्टक ऑन यू वाले एपिसोड में हुआ था। उस एपिसोड में जब बैन एज अ ह्यूमंगस और अपने प्रेडिएटर टायरानोपेडे से लड़ रहा था, तो स्कर्ट ने ही ब्लॉक्स का हैंड उसे दिया। इसी तरह से कई एपिसोड्स में स्कर्ट ने बेन की हेल्प करी। एग्जांपल के लिए सीक्रेट ऑफ डॉस सेंटोस वाले एपिसोड में भी स्कर्ट ने जंगल गार्डियन को हराने के लिए ब्लिट्ज वॉल्फर को एको एको का हॉर्न सा दिया था। एंड एक लास्ट एग्जांपल और ले लो, मेलगेक्स अटैक वाले एपिसोड में वैम्पायर को मेलगेक्स से फाइट करने के लिए भी स्कर्ट ने आर्मोड्रिलो की आर्म्स, ब्लॉक्स के आर्म कैनन एंड फीडबैक के प्लग्स दिए, जिससे कि वो मेलगेक्स की एनर्जी ब्लास्ट को एब्जॉर्ब कर सके। और इन्हीं सभी चीजों से प्रूव होता है कि स्कर्ट भी ओमटेक्स का बैन के साथ पार्टनरशिप में यूजर है, और इसलिए नंबर 2 पर डिजर्व करता है। तो अब सिर्फ एक ही यूजर बचा है जो कि नंबर 1 पर डिजर्व करता है। बट नंबर 1 पर यूजर डिजर्व करता है, उससे पहले मैं आपको एक यूजर के बारे में और बताना चाहता हूँ, जो कि इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाया। तो वो है ऑल्टरनेट प्राइम बैन फ्रॉम रीबूट टाइमलाइन, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस हमें एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में हुआ था। तो तुम्हें याद ही होगा, ये फोरआर्म्स बन के फाइट कर रहा था एलियन एक्स से एंड मारा गया बाद में, और इसके पास भी सेम ओमटेक्स था, बिल्कुल ओमनिवर्स के थीम पर ही। एंड सच में यार ये काफी ज्यादा वीक था, और एलियन एक्स के सामने फोरआर्म्स बन रहा है, ये तो और भी ज्यादा मूर्खता वाला काम हो गया। और तुमने सुना तो होगा ही, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इसने अपना पहला इंप्रेशन खराब कर दिया ऑडियंस के बीच, तो फिर कैसे पसंद आ सकता है। सबसे बड़ी मूर्खता का काम तो इसने फोरआर्म्स बन के कर दिया यार, और इसीलिए इस लिस्ट में नहीं आता। बट ओमटेक्स का यूजर है, इसीलिए मैंने आपको बताया है। तो चलो फाइनली बात कर लेते हैं नंबर 1 के बारे में। तो जो यूजर नंबर 1 पर डिजर्व करता है वो है बेन टेनिसन। मेरे को लगता है तुम सबको पता चल ही गया होगा कि वो बैन ही होगा अपना क्लासिक टाइमलाइन का। और यार ये इसलिए इस नंबर पर डिजर्व करता है क्योंकि इसने एलियन एक्स की हेल्प से यूनिवर्स को फिर से क्रिएट किया है, एलियन एक्स बन के ही गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को हराया है एंड और भी कई एलियन की हेल्प से काफी अच्छे काम किए हैं। एटॉमिक्स बन के भी काफी गजब का काम किया है, वेबिक बन के भी काफी गजब की फाइट करी है, मतलब इसे भी अपने एलियन का यूज करना आता है। और सबसे बड़ी बात जो इसकी है वो ये है कि अगर सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल ही अपोजिट एलियन इसे मिल जाता है, तब भी ये संभाल लेता है सिचुएशन को। सबसे अच्छी बात इसकी ये लगती है, और सीधी सी बात है इसीलिए नंबर 1 पर आना निश्चित ही है। और शायद मेरे को इसके बारे में ज्यादा डिटेल से समझाना नहीं पड़ेगा, बाकी अपनी काबिलियत की वजह से नंबर 1 पर डिजर्व करता है। तो यार आपको ये लिस्ट कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको बेन 10 से रिलेटेड ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिलती रहती हैं। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना कि वीडियो कैसी लगी, आपको कौन सा यूजर इनमें से ज्यादा पसंद है ओमटेक्स का। एंड अगर आपको ओरिजिनल ओमटेक्स के बारे में भी जानना है, मतलब उसके यूजर्स के बारे में, तो 1K लाइक कर दो और कमेंट में भी मेरे को जरूर बता देना, मतलब कह देना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।